होता है, हमें बच्चे के बारे में थोड़ा और बारीकी वाली इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। तो ऑब्जर्वेशन के ये हमारे पास तीन तरीके हैं और हमारा यही मानना है कि दीज शुड बी द मेन वेज इन विच वी शुड रिकॉर्ड द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड। पूरे दिन में 4 घंटे करते हुए टीचर हर बच्चे के विभिन्न पहलू देखती है और 1-3 महीने के बाद 2 दिन का एग्जाम लेने की एक अच्छी टीचर को आवश्यकता नहीं है जो हर रोज अपने बच्चों के साथ एंगेज्ड है और रोज के उनके जो एक्टिविटीज के थ्रू वो ये एक समझ बना सकती है कि बच्चों को डिफरेंट संकल्पनाएं, डिफरेंट एबिलिटीज, डिफरेंट स्किल्स कहाँ तक हैं। अब ऑब्जर्वेशन के अलावा आपके सपोर्ट आप ले सकते हैं मूल्यांकन के लिए और बाय कलेक्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ चिल्ड्रंस वर्क। तो बच्चों ने क्लास में जो काम किया, अब ये कई प्रकार का काम हो सकता है, ड्राइंग हो सकती है, क्ले पपेट्स हो सकते हैं, कोलाज वर्क हो सकता है, कोई साइंस का उन्होंने इकट्ठे मिलके कोई प्रोजेक्ट किया हो और उसके लिए कोई चीज बनाई हो, वो हो सकता है। तो इसका भी जब हम एक रिकॉर्ड रखते हैं हर बच्चे के लिए एक अलग फाइल या पोर्टफोलियो कह के जब उस चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम वो बच्चे की प्रोग्रेस देख सकते हैं और माता पिता को भी दिखा सकते हैं कि एक्चुअली बच्चे का क्लास में आपके प्री स्कूल केंद्र में काम कैसा है। बच्चों से प्रश्न पूछ के उनका मूल्यांकन, मौखिक प्रश्न पूछ के भी, मान लो आपको कोई एबिलिटी बच्चे की दिख नहीं रही है, आपको लग रहा है कि डाउट में है आप, तो यू कैन स्पेशली मेक द चाइल्ड डू समथिंग या स्पेशली बच्चे से उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड यू कैन फॉर्म एन आइडिया कि बच्चे को ये जानता है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आपको यू आर इन नॉट वेरी श्योर कि बच्चे को काउंटिंग कर पा रहे हैं कि नहीं थ्रू योर डेली एक्टिविटीज, तो अलग से भी बच्चे को आप काउंटिंग वाली कोई एक्टिविटी करवा के देख सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि अच्छा तुम्हें क्या लगा यहाँ पे ज़्यादा है या यहाँ पे कम है। इस प्रकार के स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ के या उनकी थिंकिंग को एक्सप्लोर करने के लिए, क्यों ऐसा लगा आपको, आपको क्यों लगता है कि ये ऐसा क्यों होगा, ऐसा होगा जब तो क्या होगा, तो इससे आपको बच्चों की रीजनिंग स्किल्स का पता चलेगा एंड यू कैन मेक अ जजमेंट कि कौन सा बच्चा कितना कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग पे कहाँ तक पहुँचे हैं और कौन से बच्चों को थोड़ा सा भी उसमें मुश्किल है। माता पिता से भी कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर हमें कलेक्ट करनी चाहिए क्योंकि हमें बच्चे का बच्चा हमारे साथ केवल केंद्र में है और केंद्र के अलावा घर में उसके बहुत सारे बिहेवियर्स हो सकते हैं जो माता पिता हमें बताएं। तो माता पिता से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है दैट सपोर्ट्स द इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव फ्रॉम द चाइल्ड और कई बार कॉन्ट्रडिक्ट्री इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है तो जो आप उसको दोबारा रीवेरीफाई कर सकते हैं अपने सेंटर में। जैसे एक बच्चा था जहाँ मैं एक बार जहाँ काम कर रही थी तो पूरा पूरा दिन बच्चा क्लास में बोलता नहीं था, ऐसे चला 2-3-4 हफ्ते 1 महीने तक भी। तो बहुत कंसर्न होके मैं गई और मैंने उसका होम विजिट किया कि मुझे लगा बच्चे में कोई इशू है, माता पिता को पता नहीं, पता भी है कि नहीं कि बच्चा पूरा पूरा दिन बात नहीं करता। तो जब मैं माता पिता के पास गई तो उन्होंने वो हैरान हो गए मेरी विजिट को देख के कि और वो शॉक्ड हो गए कि बच्चा क्लास में नहीं बोलता और उन्होंने बोला कि घर में तो ये 1 मिनट चुप भी नहीं बैठता है। तो यहाँ पे अब कितनी इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन थी, क्लास में मैं क्या उसकी एक इमेज बना रही थी कि क्या पता नहीं कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस है जिसके कारण वो नहीं कर पा रहा है, एक्चुअली मैं देखने गई तो फैमिली में बच्चा बहुत हैप्पीली एडजस्टेड है। सो इट्स जस्ट दैट द चाइल्ड वॉज नॉट वेरी कम्फर्टेबल इन मेकिंग फ्रेंड्स और वो उस एटमोसफेयर में अभी घुल मिल नहीं पा रहा था। और जैसे ही मैं गई बच्चे के घर, अगले दिन से वो बच्चा बिल्कुल क्लास में बात करने लग गया। तो आप देख रहे हैं कि कैसे एक होम विजिट ने बच्चे का जो घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस था और बच्चे और टीचर के बीच का जो डिस्टेंस था वो एकदम ब्रिज हुआ और एकदम बच्चा स्टार्टेड फीलिंग कंफर्टेबल इन दैट एनवायरनमेंट और उसका टोटल बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया। सो यहाँ पे इसी कारण है जो हमें पेरेंटल इंटरेक्शन की आवश्यकता है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगले पॉइंट पे अब चलते हैं, इवैल्यूएटिंग द चिल्ड्रन पे बात हो गई, हमें इवैल्यूएटिंग द सेंटर के ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा कि हम अपने पूरे सेंटर का मूल्यांकन कर रहे हैं क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि बच्चे किस हद तक हमारे सेंटर में आना चाहते हैं, आके खुश हैं या नहीं, हमारे सेंटर का एटमॉस्फेयर कैसा है, फ्रेंडली, इनवाइटिंग, रिलैक्स्ड, वार्म है या नहीं। हमें ये देखना है कि हमारे वर्कर चाइल्ड रेशो कितनी है, उचित है या नहीं, ये इवैल्यूएट करना है, टीचर चाइल्ड, वर्कर चाइल्ड जो भी बोलें, हमारे टीचर वर्कर्स की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस कितना है, उनकी पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, अप्रोच टूवर्ड्स चिल्ड्रन, रैपो विद चिल्ड्रन, रिलेशनशिप पेरेंट्स वो किस प्रकार बना पाते हैं, कैसी है वो। ये तो हमारी हुई जो वर्कर रिलेटेड बातें, फिर हमें प्रोग्राम करिकुलम को भी देखना है कि जो हमारा करिकुलम है या सही है कि नहीं, तो उसका भी मूल्यांकन हम करें। इट शुड बी अप्रोप्रिएट टू द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, इट शुड
encourage fantasy, provide enjoyment, imagination and creativity. Variety hai ya nahi hamari activities mein, hamare paas long term ya short term goals nirdharit hai ya nahi. To isliye bhi ki aap log as teachers kaam kar rahe hain, kahin pe aap kabhi supervisory role mein bhi kaam kar rahe ho sakte hain, to ye sare aspects hain jiske upar aapko dhyan dena hoga. Aur unit ke andar humne is har aspect ke upar checklist bana ke di hai, jisme ki lagbhag 15 से 20 आइटम हैं. तो अगर आप वो चेकलिस्ट अपने सामने रखते हैं तो आप कोई भी जब आप सेंटर विजिट करते हैं तो आप उस सेंटर के बारे में एक अपना आइडिया बना सकते हैं. पूरा टोटल आपका असेसमेंट हो जाएगा अबाउट द वर्कर्स एंड चिल्ड्रन, वो कैसे वर्कर चिल्ड्रन रेशो, टीचर्स पर्सनैलिटी, द टाइप ऑफ करिकुलम दैट यू हैव. वी ऑल्सो हैव अ चेकलिस्ट रिलेटेड टू स्पेस, प्ले मटीरियल्स एंड इक्विपमेंट. तो स्पेस एडिक्वेट है या नहीं, उसके लिए ऑप्टिमली वो यूटिलाइज हो रही है या नहीं, प्ले मटेरियल्स सूटेबल हैं या नहीं, ये सब आप एक और चेकलिस्ट है जिसके तहत हमने 15-20 पॉइंट वहाँ दिए हैं. और बच्चों की हाइजीन और अटेंडेंस को चेक करने के लिए भी हमारे पास वो चेकलिस्ट है. तो अगली स्लाइड्स में हम देख ही रहे हैं कि स्टाफ को इवेल्युएट करने के लिए क्या क्या हमने इंडिकेटर्स दिए हैं. प्रोफेशनली क्वालिफाइड है या नहीं, बच्चों के विकास के बारे में और बच्चे कैसे सीखते हैं इसके बारे में जानती हैं या नहीं, ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन अ चाइल्ड केयर सेंटर है या नहीं, वार्म रिलेशनशिप्स बिटवीन वर्कर एंड चिल्ड्रन और चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटीज कहाँ तक की जा रही हैं, वर्कर जो है वो बच्चों में इंडिपेंडेंट बिहेवियर नर्चर कर रही हैं या नहीं, उन्हें रीजनिंग और थिंकिंग के एक्सपीरियंसेस दे रही हैं या नहीं, फिजिकल पनिशमेंट का यूज़ तो नहीं है, प्रेज एंड रीइंफोर्समेंट है, टीचर खुद अलर्ट या एक्टिव है, कोऑपरेटिवली एंड हारमोनियसली बाकी लोगों के साथ काम कर रही हैं या नहीं, और पेरेंट्स के साथ रेगुलर मीट कर रही हैं या नहीं. अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम कह रहे हैं कि सेल्फ अप्रेजल में ट्रेन किया जा सकता है. एक तो देखिए ये रवैया है कि कोई ऊपर से आके आपको असेस करे, ठीक है होता है, करना भी पड़ता है शायद, परंतु एक अच्छा सेंटर वहाँ है जहाँ हर टीचर अपना ही सेल्फ अप्रेजल करे. सो मान लीजिए आपने ये सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए अबाउट हाउ अ टीचर शुड इंटरैक्ट, हम ये हर एक टीचर को एक चेकलिस्ट के रूप में दे दें और बोलें कि ओके डू योर ओन सेल्फ असेसमेंट, हर 3 महीने में अपने आप को रेटिंग दीजिए. जरूरी नहीं है कि ऊपर से मैं सुपरवाइजर होके आपके ऊपर देखूं और आप पे नजर रखूं, बिकॉज एक्चुअली द बेस्ट टाइप ऑफ लर्निंग इज जो अपने सेल्फ मोटिवेशन से आती है. इफ आई एम मोटिवेटेड टू चेंज माई सेल्फ विदाउट द फियर ऑफ अ सुपरवाइजर, दैट इज द बेस्ट सॉर्ट ऑफ अ मोटिवेशन दैट कैन कम देयर. इसी प्रकार करिकुलम को इवेल्युएट करने के लिए हम देख रहे हैं कि डेली प्रोग्राम है या नहीं, हर एरिया में विकास के लिए क्रियाएं हैं या नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड है या नहीं, प्ले एक्टिविटीज़ की अप्रोप्रिएटनेस, बच्चों की क्यूरियोसिटी नर्चर है या नहीं, और क्रियाएं ऐसी हैं जहां बच्चों को एक्सपेरिमेंट, डिस्कवर और क्वेश्चन करने के लिए मौका दिया जाता है या नहीं. इसी प्रकार स्पेस एंड प्ले मटीरियल के लिए हमारे पास एडिक्वेसी, लाइटिंग, वेंटिलेशन, वेराइटी ऑफ प्ले इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर्स, सोने के लिए कुछ अलग से स्थान और स्नैक इत्यादि के लिए किचन प्रोविजन है या नहीं, क्लिनलीनेस, बच्चों की अटेंडेंस में हमें देखना है साथ में. और जब हम चूज कर रहे हैं चाइल्ड केयर सेंटर तो हम ये देखें कि ऐसा हो जो बच्चों के घर से मेल खाता हो, एनवायरनमेंट ऐसी हो जो बच्चों के लाइफ्स को एनरिच करे, जहां केयर होलसम हो, डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट हो, प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग हों, और हम खुद जाके सेंटर में एज पेरेंट्स के मैं अब बात कर रही हूँ, हम खुद जाके पेरेंट्स सेंटर में विजिट करें और देखें कैसा है पहले बच्चे को भर्ती कराने से पहले. ये बहुत ज़रूरी है, कई पेरेंट्स ऐसा नहीं करते. और हम ये भी देखें कि कितना दूरी है बच्चे से वो पहुंचने की, वो सेंटर के पहुंचने में कितना कन्वीनियंट है बच्चे के लिए और आपके लिए क्या कॉस्ट है. तो ये सब वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इवेल्यूएशन हैं किसी भी सेंटर के जो हमें देखने चाहिए, और एज अ सुपरवाइजर देखने चाहिए, एज अ पेरेंट देखने चाहिए, एज अ टीचर देखने चाहिए. सो विद दिस वी विल कंक्लूड दिस यूनिट ओवर हियर एंड कम बैक अगेन विद आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. आप लोगों को कोई कॉल्स हो तो जरूर दीजिएगा एंड वील कम बैक विद द लास्ट यूनिट ऑफ दिस कोर्स विच इज इन्वॉल्विंग द पेरेंट्स इन द चाइल्ड केयर सेंटर. सो सी यू सून. Thank you.
हेलो एंड वेलकम टू दिस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सेशन ऑफ DECE. लास्ट यूनिट कर रहे हैं हम DEC 1 का, और किसी को कोई भी क्वेरी हो कोर्स से संबंधित, असाइनमेंट से संबंधित, तो प्लीज़ ज़रूर फ़ोन करें. हमारा लास्ट यूनिट अब है इन्वॉल्विंग द फैमिली एंड द कम्युनिटी, यानी हमारा जो भी चाइल्ड केयर सेंटर है उसमें क्या परिवार की और समुदाय की भागीदारी की आवश्यकता है, अगर है तो कैसे ली जा सकती है. तो हमें क्यों इन्वॉल्व करना है पेरेंट्स को, फैमिली को, अपने चाइल्ड केयर यूनिट में? एक तो इसलिए करना है कि बच्चों के लिए जो चाइल्ड केयर सेंटर है, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द होम. बच्चे अभी पूरी तरह अपने परिवार से लिंक्ड हैं, और बच्चों के परिवार वालों को जब हम सेंटर में लिंक करते हैं तो पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिलकर बच्चे की डेवलपमेंट को ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, क्योंकि अब दोनों को ही ये पता है कि बच्चे के साथ स्कूल में क्या हो रहा है और बच्चे के साथ घर में क्या हो रहा है. तो दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है बच्चा, और इसलिए दोनों को साथ में रह के काम करना इज द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड. या हाँ जी पंजाब, बताएं. हेलो जी, गुड इवनिंग मैम. मुझे थोड़ा पास आके बोलिए, माइक में सुनाई देगा हमें. Hello? अच्छी. हाँ हेलो मैम, मुझे पूछना था कि अगर मैं एग्जाम दिसंबर में दूंगी तो मुझको अपने असाइनमेंट्स भी दिसंबर में ही सबमिट करवाने हैं या अभी? दिसंबर मतलब दिसंबर एक तो चला गया है, अब आपका अगला दिसंबर. वैसे मेरा सेशन जैसे एग्जाम्स मेरे जून में होंगे, अगर मैं दिसंबर में एग्जाम दूंगी. हाँ नहीं तो आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए, असाइनमेंट का कोई वो नहीं है उससे रिलेशन. आप 15 जनवरी तक अपने असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए, और अगर आप 15 जनवरी तक नहीं कर सकती और आप दिसंबर में लेना चाहती हैं तो आप दोबारा जब असाइनमेंट अपलोड होंगे जून में फिर वो असाइनमेंट करिएगा आप. ठीक है, आपके पास दोबारा क्लियर कर देती हूँ. एक बात है कि आपने 15 जनवरी तक असाइनमेंट दे दिए, अगर आप दे देती हैं तो अब आपकी चॉइस है आप जून में एग्जाम लें या दिसंबर में एग्जाम लें. अब दूसरा सिचुएशन ये है कि आप 15 जनवरी तक असाइनमेंट नहीं सबमिट कर पाती. अगर अब आप 15 जनवरी तक सबमिट नहीं कर पाती हैं तो अब आप जून जुलाई का वेट करिए, जब हम नया असाइनमेंट अपलोड करेंगे तब आप नया करेंगे. यानी इस डेट को जो मिस कर देंगे असाइनमेंट की, एक बात तो यह है कि जो इस असाइनमेंट की डेट को मिस करेंगे वो फिर जून के एग्जाम के लिए नहीं बैठ सकते हैं. ये बात बहुत क्लियर है. जिस पेपर के आप एग्जाम असाइनमेंट दे देंगे उसी के ही आप इम्तिहान में बैठ सकते हैं. अब मान लो आपने इम्तिहान असाइनमेंट कर लिए पर आप इम्तिहान में नहीं बैठना चाहते, नो प्रॉब्लम, आप दिसंबर में बैठिए. परंतु अगर आपकी असाइनमेंट की डेट मिस हो गई और आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करें तब आप मार्च में यही असाइनमेंट करके नहीं देंगे, आप जून जुलाई वेट करेंगे, जब दोबारा नया असाइनमेंट अगले सेशन के लिए आएगा वो कंप्लीट करके देंगे बिफोर दिसंबर, और फिर दिसंबर का एग्जाम लेंगे. ओके तो हम बात अपना यहाँ पे कर रहे थे कि बच्चों के साथ माता पिता की भागीदारी की आवश्यकता क्यों है. तो इसीलिए है ताकि हम दोनों इकट्ठा मिलके बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी पूरी कार्यवाहियाँ कर सकें. अब माता पिता की भागीदारी से हमें क्या मतलब है? दो तरीके का मतलब है. एक तो हम एक्सपेक्ट करें कि वो हमें समय दे, और एक हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो हमें सपोर्ट, भावात्मक सपोर्ट दे. अब दोनों तरीके का हमारा जो है, समय देने का मतलब है कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि माता पिता केंद्र में आके कोई एक्टिविटीज़ करें, कोई गतिविधि करें. इमोशनल सपोर्ट से हमारा ये मतलब है कि हम जिस प्रकार की क्रिया कर रहे हैं उससे माता पिता सहमत हों, और वो सहमति से उसी तरीके का एनवायरनमेंट अपने बच्चे के लिए भी घर में क्रिएट करें अगर वो कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है. परंतु कई बार ये देखने को, कई लोगों का ये कहना भी है कि हम तो एक तरीके से पद्धति से पढ़ाते हैं परंतु पेरेंट्स जो हैं वो इससे कन्विंस नहीं है, दे डू नॉट एग्री विद वॉट वी आर डूइंग एंड हाउ वी आर टीचिंग. तो इन दैट केस जो टीचर्स भी हैं वो बहुत टेंशन में हैं, और बहुत अपने एक्टिविटी काम को डिस्चार्ज करते हुए भी उनको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है. सो इस केस में क्या है कि हमें पेरेंट के साथ ज़्यादा टच में रहते हुए, पेरेंट को एंगेज करते हुए, पेरेंट्स को अपने कार्य करने के ढंग के बारे में, हमारी फिलॉसफी जो है बच्चों की पेडागॉजी की या बच्चों को साथ हम जो कह रहे हैं, हमें वो पेरेंट्स को बतानी भी है ताकि पेरेंट्स कन्विंस्ड हों हमारी पेडागॉजी से, और ये समझें कि हम जिस तरीके से बच्चे के लिए काम कर रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है. या
हाँ जी पंजाब बोले। हाँ पूछे अपना प्रश्न पंजाब। मैडम थोड़ा माइक के पास आ जाएं, कोई आवाज नहीं आ रही है। हाँ तो अक्सर एक बात, हाँ यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि माता पिता और सेंटर के लोग दोनों एक दूसरे से सहमति से काम करें। अक्सर जब हम प्ले बेस्ड पेडागॉजी की बात करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं उसे अपने केंद्र में, तो हम कई बार देखते हैं कि पेरेंट्स आर नॉट वेरी हैप्पी। वो कन्विंस नहीं है, उनको लगता है कि मेरा बच्चा तो कुछ कर नहीं रहा है, कोई रिटन होमवर्क उसको नहीं मिल रहा है, पेज पे पेज कॉपी के नहीं भरने को मिल रहे हैं, या मान लो हमारी बहुत हम जो जैसे हमने बात करी थी लैंग्वेज और लिटरेसी एक्सपीरियंसेस पे, हम पहले 6 महीने में ओरल भाषा पे ध्यान दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम कोई उस तरीके से बहुत कोई रिटन कार्यक्रम उस तरीके से नहीं करना चाह रहे। तो पेरेंट्स कई बार इससे बड़े वरिड हो जाते हैं एंड दे आर नॉट हैप्पी, दे फील कि उस स्कूल के बच्चे को तो होमवर्क मिल रहा है, मेरे को बच्चे को नहीं मिल रहा है होमवर्क। तो ये सब सिचुएशंस हैं जब आप और टीचर्स और पेरेंट्स जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, एंड दिस विच मीन्स वी डू नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स। तो इस चीज़ को कम करने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि जब हम अपना सेशन शुरू करें और इवन बीच बीच में पेरेंट्स को हम अपनी पूरी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन से अवगत कराएं, उनके साथ बात करें, उनसे समझाएं उन्हें कि किस प्रकार से हमारा अप्रोच टुवर्ड्स चाइल्ड एजुकेशन क्या है। तो तब हाँ जी अमृतसर, हेलो। हाँ जी मैडम। हाँ जी मैम, मैंने आपसे ये पूछना था कि हेलो। हाँ पूछे पूछे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी वो मैम, मैंने आपसे ये क्वेश्चन कर मैडम आपके एंड पे कुछ गड़बड़ है, आपकी आवाज कट जा। हाँ जी मैम, मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना था जो डीईसी 1 की मैम, मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना है कि जो डीईसी 1 की असाइनमेंट है वो ही 15 जनवरी तक सबमिट करवानी है या डीईसी 1 2 और 3 तीनों ही करवानी है? नहीं मैडम, केवल डीईसी 1 की असाइनमेंट 15 जनवरी तक अपलोड करनी है, DEC 2 की असाइनमेंट 28 फरवरी तक अपलोड करनी है और DEC 3 की असाइनमेंट 30 मार्च तक अपलोड करनी है। अभी तक ऑनलाइन मैं ये चेंज नहीं करा पाई हूँ, उसके लिए वेरी सॉरी, परंतु उम्मीद है कि एक दो दिन में मैं ऑनलाइन भी आपका ये चेंज आ जाएगा, तब आपको क्लैरिटी पूरी हो जाएगी। पर फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, इनफैक्ट अगर इफ़ पॉसिबल तो ये फ्लैश भी कर सकें अगर हम नीचे लिख के कि DEC 1 असाइनमेंट टू बी सबमिटेड बाय 15 जनवरी, DEC 2 असाइनमेंट टू बी सबमिटेड बाय 28 फरवरी, DEC 3 असाइनमेंट टू बी सबमिटेड बाय 30th मार्च। तो ये बहुत अच्छा होगा अगर ये नीचे स्क्रॉल होता रहे तो लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार हम जो सपोर्ट की बात कर रहे थे, माता पिता के से हम जुड़ें और उनको अपने कार्यक्रम के बारे में समझाएं, अपना नज़रिया अपना परिपेक्ष समझाएं ताकि उनसे सपोर्ट मिले। अब सपोर्ट हम किस हाँ जी लुधियाना जी बताएं लुधियाना। हाँ जी मैम, मैंने पूछना था कि असाइनमेंट कहाँ सबमिट करनी है और कैसे करनी है। कैसे का मुझे आपका बात समझ नहीं आई, कहाँ तो आपको स्टडी सेंटर में सबमिट करनी है, आपने लिख के आप अपने मतलब रजिस्टर के पेपर पे या जिस भी पेपर पे आप लिख रहे हैं सेक्शन ए, और सेक्शन बी और सी तो हमारी प्रैक्टिकल मैनुअल में वहाँ पे पेज में हमने जगह छोड़ी हुई है, वहीं पे आप लिखेंगे। अगर वो पेज आपको कम लगता है तो आप नया पेज जोड़ लेंगे। अब ये सारा अपना टोटल ABC, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, असाइनमेंट ABC इकट्ठा सबमिट करिएगा, अलग अलग नहीं करिएगा, क्योंकि एनरोलमेंट हाई है, आपका पर्चा इधर उधर घूम जाएगा। उसके बाद आपको फिजिकली अपने स्टडी सेंटर पे जाके सबमिट कराना है। अभी तक अगर स्टडी सेंटर से लोगों ने संपर्क स्थापित नहीं किया है तो ज़रूर जाएं। ये जो मैं हम यहाँ से आपको टेलीकॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ये एडिशनल सपोर्ट है। आपके स्टडी सेंटर पे और कई चीज़ें होंगी जो आपको काउंसलर बताएंगी, उनके पास ज़रूर जाएं। असाइनमेंट सबमिट करते समय अपने पास एक फ़ोटोकॉपी रख लें ज़रूर, ताकि अगर गुम जाए तो फिर आपके कोई हेल्प नहीं करेगा, बात आप पे आएगी कि सबमिशन के टाइम आपने फ़ोटोकॉपी क्यों नहीं रखी। सो असाइनमेंट कभी कभार 1% केस में गुम भी जाती हैं, तो उसकी फ़ोटोकॉपी रखिए। कुछ फीस वगैरह भी ले लें?
हाँ पूछे मैडम क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आप? ओके लुधियाना बोले। मैम गुड इवनिंग, दिस इज सोनिया। या हाय मैम, आप एक यूनिट करवा रहे थे 24 फर्दरिंग लैंग्वेज जो आपका भी रहता था। नो मैडम, ओके आप पूछिए मैं जवाब देती हूँ। हाँ पूछे सॉरी। वो आप स्लाइड जो आप बोल रहे थे ना बाद में अपडेट्स होंगी, उसकी भी स्लाइड अपडेट हो जाएगी उस पे? सो द यूनिट लैंग्वेज फर्दरिंग लैंग्वेज वॉज एक्चुअली डन ऑन 30th of December। We did a, it was titled language tha ya language early language and literacy, language and literacy, that was the title, okay wo hai, that is that corresponds to unit number 24। yes main aaj ke baad zarur ye sara kyunki hamara program complete ho gaya hai DEC 1, main aaj ke baad slides upload karaungi, hopefully 2-4 din mein upload ho jani chahiye। e gyan kosh pe aapko sabhi slides mil jayengi jo aaj tak baat kar li hai। मैम एक आपने जो असाइनमेंट पहले डेट दी थी वो जेन एन दी थी इसकी जो डीसी 1 की थी, तो वो अभी चेंज हो गई है क्या? नो देन आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी। यस यू आर राइट, आई थिंक आई डिड गिव जनवरी एंड, आई एम सॉरी, ये 15 जनवरी मेरे दिमाग में क्यों आया, आई एम सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक। सो वही है बात, एक दो तीन बातों में दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। आई थिंक इट इज 30th जनवरी ओनली, और अभी आपको चेंज ऑनलाइन पे भी आ जाएगा 2-3 दिन में। सो यस आई एम चेंज, दैट्स माय मिस्टेक, थैंक यू। कल ही मिला है मैम, आई वाज वेरी वरीड कि इतनी जल्दी टाइम में मैं। नो नो, सो आई हैव वही कंफ्यूजन हो जाता है, आई एम सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, इट्स यू आर राइट, इट्स 30th of January, और 2-3 दिन में ऑनलाइन आ जाएगा, तो आप जरूर ऑनलाइन से दोबारा इसको चेक कर लीजिएगा। पता नहीं 15 क्यों मेरे दिमाग में आया, थैंक यू मैम। या सो रिपीटिंग अगेन, 30th January, 28th February, 30th March, DEC 1, DEC 2, DEC 3. Okay, so kitna support, coming back to, you know, in, yes, Chandigarh. Hello. Haan ji, bataein. Good evening, ma'am. Yeah, good evening. Ma'am, mujhe poochna tha ki agar main tino assignments abhi submit karwa deti hoon, 1, 2 or 3, to mera 4th jo प्रोजेक्ट वो है, वो तो एग्जाम है ना, वो अगर मैं अगर दिसंबर में देती हूँ तो उसके साथ तो कोई रिलेट नहीं होगा ना। आप पूछ रही हैं कि आप 1, 2 और 3 असाइनमेंट मार्च तक कर देती हैं? हाँ जी हाँ जी। फिर प्रोजेक्ट वर्क का क्या कह रही हैं? प्रोजेक्ट वर्क तो इसके साथ रिलेट नहीं है ना, प्रोजेक्ट वर्क भी ऐसे डेट आएगा सबमिट करने का या एग्जाम है ये? नो प्रोजेक्ट वर्क, ओके सो प्रोजेक्ट वर्क इज आपको एक नर्सरी स्कूल में बच्चों के साथ 30 वर्किंग डेज काम करना है, ओके? प्रोजेक्ट वर्क इज डिपेंडेंट ऑन DECE 1, तो हमने अभी DECE 1 के बारे में बातचीत कर ली है। अब हम प्रोजेक्ट वर्क शुरू कर सकते हैं, परंतु उसके ऊपर हम पहले डिस्कशन करेंगे फिर शुरू करेंगे। तो प्रोजेक्ट वर्क की अगर आप जून में काम खत्म करना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट वर्क आपका लगभग 30th April तक यहाँ पे आ जाना चाहिए, 30th April या 1st week of May, ये उसकी डेट है अगर आप जून में ही सारा डिप्लोमा ख़त्म करना चाहते हैं। अगर आप दिसंबर तक डिप्लोमा ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आपके पास और समय मिल जाता है आपको, और आप 30 नवंबर तक प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हैं। तो मैम ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना कि मैं अभी ये तीनों दे देती हूँ 1, 2 और 3 और फिर मैं अगर प्रोजेक्ट वर्क नवंबर में दूंगी तो? नो देयर इज नो प्रॉब्लम, आप सभी के पास 4 साल हैं कोर्स खत्म करने के लिए। हम नहीं कहते कि आप 4 साल लगा दीजिए कोर्स खत्म करने के लिए, परंतु अगर आपने असाइनमेंट अभी सबमिट कर दिए हैं इसी पीरियड में तो ये काम आपका खत्म है, ये आपको दोबारा नहीं करने। मान लो आप किसी कारण से कोई भी एग्जाम जून में नहीं ले सकते, नो प्रॉब्लम, आप सारे एग्जाम दिसंबर में ले लीजिए। आप अभी प्रोजेक्ट वर्क नहीं कर सकते, नवंबर में कर रहे हैं या मे बी इवन 2021 में कर रहे हैं, तो भी आपको असाइनमेंट नहीं रिपीट करने पड़ेंगे, और जो एग्जाम आपने दे दिया है वो आपको दोबारा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। परंतु हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इतना लंबा टाइम लगा दें, हम कह रहे हैं आप अपनी सुविधा अनुसार जब कर सकते हैं कोर्स को करें। यस अहमदाबाद, हेलो, यस अहमदाबाद से मैं बोल रही हूँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने मेरा डीसी 1 का प्रोजेक्ट तो असाइनमेंट सबमिशन कर दिया है बिफोर 30th December, लेकिन मैंने मेरे से ये हो गया कि मैंने जो सेक्शन बी है ना
उसमें तीन एक्सरसाइज है, उसमें से मुझे एक एक्सरसाइज का असाइन एक्सरसाइज करनी थी, मैंने दो क्वेश्चन करके और दोनों सबमिट कर दिए, तो वो मेरा नहीं कोई बात नहीं, आपने तो ज्यादा ही काम करा है, नो प्रॉब्लम, आई एम श्योर द काउंसलर विल सी कि आपकी बेटर एक्सरसाइज क्या है और उस पे आपके नंबर ले लेगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. एंड वन मोर थिंग, आई हैवंट गॉट माय बुक्स येट, मैं दो बार स्टडी सेंटर भी गई और मुझे अभी तक बुक्स नहीं मिली है. तो आपने अभी तक काम कैसे किया है? मैं वो ई ज्ञान कोश से पढ़ पढ़ के किया और आपका टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी देखती थी उसके बेसिस पे किया, बट इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, आई टोटली अग्री विद यू, प्लीज. मतलब मैं भी अपनी तरफ से, देखिए मैं डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, परंतु मैं आपकी कंप्लेंट पहुँचा सकती हूँ जरूर. मैं आप ये खत्म होते ही आई विल टॉक टू द एमपीडी एंड कन्वे कि अहमदाबाद स्टूडेंट्स में, अहमदाबाद में ही है ना आप, अहमदाबाद का जो स्टडी सेंटर है. हाँ, सो आई विल कन्वे कि अहमदाबाद स्टूडेंट्स हैव स्टिल नॉट गॉट द मटेरियल, बट मैडम आप भी अपनी तरफ से प्लीज राइट ईमेल्स टू द मटेरियल प्रोडक्शन डिवीजन, प्लीज राइट योर ईमेल टू द रीजनल सेंटर, प्लीज कॉल देम अप, प्लीज डू द नीडफुल. आई टोल्ड देम, देन दे सेड नो नीड टू कॉल अस अपफ्रंटली, वी विल लेट यू नो थ्रू मेल्स, एंड दे हैव नॉट गिवन अस एनी मेल्स, बट द डेट्स हैव गॉन, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. आई एग्री, आई कंप्लीटली एग्री, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं अपनी तरफ से यहाँ से उठते ही तुरंत एक बार एमटीडी में फोन करूंगी और बताऊंगी जरूर. आई जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. या या गुजरात, हाँ जी पूछे. हेलो मैम. या गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम. मुझे असाइनमेंट में, असाइनमेंट वन जो है, हाँ, उसमें सेक्शन ए में थर्ड क्वेश्चन के बारे में थोड़ा पूछना था आपसे. आप हिंदी में या इंग्लिश में हैं? मैम इंग्लिश. इंग्लिश, ओके. मेरे पास हिंदी का असाइनमेंट है, थर्ड क्वेश्चन है. एक वर्ष के बच्चे के पांच व्यवहारों का वर्णन कीजिए, है ना. टेल अबाउट एनी फाइव एबिलिटीज ऑफ अ चाइल्ड विच शो दैट द चाइल्ड इज एबल टू थिंक एंड शोज हर थिंकिंग एबिलिटीज, है ना. हाउ केयर गिवर कैन सपोर्ट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन द फर्स्ट टू ईयर्स. सो वेयर इज द प्रॉब्लम इन दिस, व्हाट आर, अगर आप अपना, हाँ, उसमें हमको एक ही एग्जाम्पल देके उसको बताना है या फिर अलग अलग एग्जाम्पल्स देने हैं, जैसे फाइव बिहेवियर्स के फाइव एग्जाम्पल्स अलग अलग से देने. अगर आपके एक बिहेवियर से दो तीन योग्यताएं दिखती हैं तो दैट्स फाइन, और अगर आप ज्यादा, अगर एक एग्जाम्पल से आप एक से ज्यादा नहीं बता पाते हैं तो आप ज्यादा दीजिए. इफ यू गिव मोर एग्जाम्पल्स इट शोज दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड, है ना. इट विल ऑब्वियसली गेट यू मोर मार्क्स, शोज कि आपको समझ ज्यादा आया है. ओके, है ना. वन मोर थिंग मैम, हाँ, जो प्रोजेक्ट वर्क करना है, तो अपना डीसी फोर पे प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बोला हुआ है, हाँ, तो क्या हम लोग डीसी टू स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट मैम? सो कल, आप कल तक वेट करिए. डीसी फोर शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से, मुझे एक फॉर्म आपको दूंगी मैं, गूगल फॉर्म, इसी पे कल का सत्र बहुत इम्पोर्टेंट है. सभी लोग, सारे ही सत्र इम्पोर्टेंट है, बट कल जो डीसी फोर करने से पहले एक फॉर्म आप सबको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भरने के लिए, गूगल फॉर्म होगा वो, आप अपने मोबाइल फोन पे से भर सकते हैं. जो अपने आप नहीं भर सकते वो किसी की सहायता लेके भर सकते हैं, सिंपल फॉर्म है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. तो कल हम आपको वो फॉर्म देंगे, सबको अपने मैसेजेस पे मिलेगा, फोन पे मिलेगा, एसएमएस पे मिलेगा, उसको क्लिक करके आपने भरना है. परंतु कल उस पर हम पहले डिस्कशन करेंगे, आपको समझा दूंगी मैं कि फॉर्म में क्या है, उसका रिस्पॉन्स जब आप भरेंगे तो वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन डी ई सी फोर. सो आई एम थिंकिंग कि अगले मंडे ट्यूसडे में हम डी ई सी फोर पर डिस्कशन शुरू करेंगे, दो तीन दिन डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद अगर जो लोग चाहते हैं वो डी ई सी फोर अपना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है वैसे भी स्कूल्स खुले नहीं है. देर इज़ नो वे दैट यू कैन स्टार्ट, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में तो इस शीत की लहर में मुझे नहीं लग रहा कोई नर्सरी या आंगनवाड़ी में कोई बच्चे आ रहे हैं या काम हो रहा है. तो वी आर वेल इन टाइम, नथिंग टू वरी, बट वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट DEC 4 in the next 2-3 days. जब तक आपके वो फॉर्म भर के मुझ पे वापस नहीं आते, हम DEC 2 शुरू कर देंगे. तो ये प्लान है, कल से हम फॉर्म डिस्कस करेंगे. जब तक आप फॉर्म भर के देंगे और मुझे एक दो दिन उसको एनालाइज करने में लगेगा, उस टाइम में हम DEC 2 के चैप्टर्स शुरू कर देंगे. बट अगले वीक के मिडिल तक डेफिनेटली हम DEC 4 के ऊपर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग शुरू कर देंगे, ताकि आप लोगों को जिसको काम शुरू करना है वो कर सकें. दैट इज द प्लान. जी पंजाब मैम,
डी असाइनमेंट वन का जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ है जो शालापुर के बच्चे शिक्षक लिख सड़ा ये संरक्षण होना है जी बिल्कुल ये बात पहले भी आई थी मैंने इसको अपना फॉल्ट एडमिट किया है संरक्षण होना चाहिए बिल्कुल सही बहुत सही बताया आपने करेक्ट थैंक यू सो कुछ ही समय रह गया है कोशिश करते हैं कि यूनिट खत्म कर लें ताकि हम हमारा डीईसी वन क्लोज हो जाए तो हम ये देखें कि हमें किस प्रकार का माँ बाप से सपोर्ट मिलेगा ये इस पे भी निर्धारित करता है कि माता पिता के सर्कमस्टेंस क्या हैं ग्रामीण इलाकों में रह रहे हुए माता पिता शायद किसी एक प्रकार से सहयोग दे पाएं और दिल्ली में रह सॉरी शहरों में रह रहे हुए ऑफिसों में जाने वाले लोग किसी और प्रकार का सहयोग दे पाएं तो ये उस पर भी निर्भर करता है सपोर्ट हमें क्यों चाहिए क्योंकि हमें सेंटर और होम को लिंक करना है और परिवार के बारे में जब हम जानते हैं तो हम बच्चे के बारे में और जान पाते हैं और बच्चे के लिए परिवार और स्कूल जो है ये दो अलग स्थान नहीं हो जाते ये एक ही कंटिन्यूटी रहती है और बच्चे के लिए ये जो कंटिन्यूटी रहना ये उसकी इमोशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है जो ये बच्चे कई बच्चे जो जाना नहीं चाहते ये कंप्लेंट है कि बच्चे जाना नहीं चाहते तो तब उसमें इसलिए भी है क्योंकि सेंटर और घर के बीच में जो जुड़ाव है वो उतना नहीं है बच्चे को सेंटर का एटमोसफेयर जो है वो अलग सा लगता है भयभीत लगता है वहाँ पे पहले रैपो और एक टुगेदरनेस की फीलिंग डेवलप नहीं हो पाई है जिसके कारण वो हो रहा है इसलिए स्कूल और होम का लिंक होना बहुत जरूरी है कॉल फ्रॉम पटियाला जी पटियाला हेलो यस गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग पूछे मैम पूछ हाँ हमें ना अभी दिसंबर में बुक्स मिली हैं हाँ तो उसके असाइनमेंट पता नहीं चल रहा भी कैसे बनानी है या वो क्वेश्चंस हमें कहाँ से मिलेंगे मैडम शायद आप पहली बार जुड़ रही हैं क्योंकि ये हमने कई बार बता दिया है आपने शायद अब तक नहीं शायद टेलीकॉन्फ्रेंसिंग देखी है किसी कारण से किताबें आपको भी मिली हैं तो आप किताबों को तो पहले पढ़ना शुरू कर दें और ignu.ac.in या आप ignu असाइनमेंट करके जब गूगल पे टाइप करेंगे तो ignu के असाइनमेंट का पेज खुल जाएगा उस पर आप नीचे स्क्रोल डाउन करिए तो DECE लिखा आपको दिखेगा स्क्रीन पे DECE के आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे अगर बहुत कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं है तो किसी को साथ बिठा लीजिएगा DECE के आइकन पे क्लिक करेंगे तो जनवरी 2019 के सेशन के इंग्लिश और हिंदी के असाइनमेंट हैं वो क्लिक करिएगा वहाँ पे आपको असाइनमेंट करने हैं जिसके तीन भाग हैं ए बी और सी और आपको तीनों भाग इकट्ठे सबमिट करके देने हैं आप पहले खोलिए पढ़िए देखिए कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा अगले सत्रों में हम बात कर सकते हैं वरना हमने काफ़ी बात कर ली है असाइनमेंट सेशंस के ऊपर जी पंजाब हेलो हाँ पूछे मैडम हाँ जी हाँ जी हेलो सस्रीकाल मैम हाँ सस्रीकाल हाँ जी मैम मैंने असाइनमेंट के बारे क्वेश्चन पूछना था आपसे जी कि जो जनवरी के आप बोल रहे हैं ना जनवरी 19 के मतलब की क्वेश्चन आंसर आपने डाउनलोड किए हैं तो वही हमने जो जून में जिन्होंने पेपर देने हैं 2020 में जून में मैडम तो वही असाइनमेंट आप हम लोग मैडम जो लिखा है जनवरी जुलाई 2019 आपका दाखिला तो जुलाई 2019 में हुआ ना तो आपको जुलाई 2019 पे ध्यान देना है आप एग्जाम जून में दें दिसंबर में दें कोई बात नहीं आपका दाखिला हुआ है जनवरी जुलाई 2019 में आप जुलाई 2019 का असाइनमेंट पे क्लिक करके वो असाइनमेंट करेंगे फिलहाल वही अपलोड है और कुछ है भी नहीं वहाँ पे तो आपको सही असाइनमेंट मिलेंगे ओके ओके जी थैंक यू मैम या फटाफट से ये दो तीन स्लाइडें देख लेते हैं और ये बात को कंक्लूड करते हैं यहाँ पे परिवार का सहयोग मिलने के लिए एक इम्पॉर्टेंट आवश्यकता ये है कि जो हम एज टीचर या एज वर्कर हमें हमारा इरादा होना चाहिए कि हम पेरेंट्स से सपोर्ट चाह रहे हैं वी शुड वेलकम द सपोर्ट कई बार हम उसको कहते हैं पेरेंट्स आर इंटरफियरिंग और हम